अपने दैनिक जीवन में तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालते हैं अथवा निर्णय लेते हैं। ये तथ्य मुख्यतः आंकड़ों से निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम किस आधार पर ये कह सकते हैं कि कपिल देव एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी था? इसके लिए हम उसके विकेट लेने का रिकॉर्ड देखते हैं और उसे सर रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड से तुलना करते हैं, जिसे कपिल देव ने तोड़ा था। इस तरह आंकड़े निष्कर्ष निकालने में हमारी मदद करते हैं। आंकड़ों का इस तरह उपयोग विज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ, जिसे सांख्यिकी कहते हैं। भारतवर्ष में 12 से 13 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का औसत वजन क्या होगा, इसकी जानकारी सांख्यिकी से मिल सकती है। इसके लिए हमें बच्चों के वजन के आंकड़े चाहिए, परंतु हो सकता है कि ये आंकड़े उपलब्ध ना हो और हमें बच्चों का वजन नाप कर ये आंकड़े एकत्रित करने पड़े। इस प्रकार एकत्रित आंकड़ों को हम वर्गीकृत करेंगे और उनका विश्लेषण करके बच्चों के औसत वजन के बारे में निष्कर्ष निकालेंगे। ये संपूर्ण प्रक्रिया सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संग्रह तथा उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण और उनकी व्याख्या की जाती है तथा उनसे उपयोगी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। परंतु देश भर के सभी बच्चों के वजन लेने में बहुत समय लगेगा, बहुत महंगा पड़ेगा और वास्तव में यह असंभव ही है। तो फिर क्या करें? हमें नमूना या प्रतिदर्श लेना चाहिए जो कि समस्त जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। नमूना या प्रतिदर्श एक छोटा संग्रह है। सही प्रकार से चुना गया प्रतिदर्श हमें 12 से 13 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के औसत वजन के बारे में एक सही आकलन दे सकता है। प्रतिदर्श में हम केवल कुछ ही बच्चों का वजन लेते हैं और समय, लागत तथा मेहनत की बचत कर लेते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदर्श का उपयोग बहुधा करते हैं। जब बाजार में चावल या दाल खरीदते हैं तो पूरी बोरी में से प्रत्येक दाने की जांच नहीं करते, बल्कि कुछ दाने ही उठाकर देखते हैं और निर्णय कर लेते हैं कि वो चावल अथवा दाल खरीदा जाए या नहीं। इस प्रकार एक छोटे प्रतिदर्श के आधार पर हम निष्कर्ष लेते हैं। इसी तरह प्रतिदर्श एकत्रित कर हम ये पता कर सकते हैं कि प्रतिदिन औसत कितने घंटे युवक खेलते हैं। प्रतिदर्श से हमें आंकड़े मिलते हैं और आंकड़े ही सांख्यिकी का मुख्य आधार हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथा गौण। जब अन्वेषक आंकड़ों को स्वयं ही एकत्रित करता है तो वे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, जो उसके द्वारा किए जा रहे अध्ययन के लिए आवश्यक होते हैं। ये आंकड़े प्रश्नावलियों, साक्षात्कारों या प्रयोगों से एकत्रित किए जा सकते हैं, पर समय और धन के अभाव में अन्वेषक सभी आंकड़े स्वयं ही एकत्रित नहीं कर सकता। उन परिस्थितियों में उसे आंकड़ों के अन्य स्रोतों, जैसे प्रकाशित रिपोर्ट, सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित की गई शासकीय सांख्यिकी तथा अन्य अन्वेषणों द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार के आंकड़ों को गौण कहते हैं। आमतौर पर एकत्रित किए गए आंकड़े अपने आप में अर्थहीन होते हैं। हमें इन्हें सार्थक बनाना होगा। इसके लिए हम विभिन्न रंगों तथा आकारों का प्रयोग करते हुए आलेख, चार्ट, चित्र आदि बनाते हैं।
ये चार्ट समझने में आसान होते हैं और आंकड़ों की विशेषता को दर्शाते हैं। प्रायः निर्माण तथा बिक्री से संबंधित आंकड़ों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का अलौकिक निरूपण, दंड, चित्रलेख, आवृत्ति आयत, बारंबारता बहुभुज एवं तोरण है। हम दंड चार्ट से शुरुआत करते हैं। इसमें एक सुविधाजनक पैमाने का उपयोग करते हुए आंकड़ों के प्रत्येक मान को निरूपित करने वाला रेखाखंड या दंड खींचते हैं, जिसकी लंबाई उस मान के समानुपाती होती है। ये खींचने में सरल होते हैं तथा विभिन्न मानों के परिमाणों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं। प्रत्येक रेखाखंड या दंड एक मान निरूपित करता है। पूरे चित्र को दंड चार्ट कहते हैं। दंड या रेखाखंडों को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्थितियों में से किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। आइए वर्ष 1820 से 1940 तक 30-30 वर्षों के अंतराल का किसी देश की जनसंख्या निरूपित करने के लिए एक दंड चार्ट बनाते हैं। दंड चार्ट खींचने के लिए पहले हमें एक सुविधाजनक पैमाना चुनना पड़ेगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 2000 जनसंख्या निरूपित करता है। हम वर्षों को एक्स अक्ष तथा जनसंख्या को वाई अक्ष में ले सकते हैं। अब हम समान चौड़ाई के दंड खींचेंगे, जिनकी लंबाइयां दिए हुए वर्षों की जनसंख्या के समानुपाती होंगी। दंड चार्ट से हमें कठिन आंकड़ों को समझने में आसानी होती है। आइए अब हम देखें कि चित्रलेख कैसे बनता है। आंकड़ों का चित्रीय निरूपण चित्रलेख कहलाता है। इसका उपयोग सामान्यतः अर्थशास्त्री तथा अन्य व्यक्ति करते हैं, जिनका व्यापार और जनसंख्या आदि से संबंधित आंकड़ों से कार्य पड़ता है। मान लीजिए हमें पिछले 3 वर्षों से कारों के उत्पादन की तुलना करनी है। इसके लिए कारों के चित्र लेकर उनका उत्पादन दर्शा सकते हैं। चित्रलेख बनाते समय केवल सरल, सुस्पष्ट तथा परिचायक संकेतों का ही उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक संकेत द्वारा निरूपित राशि को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए तथा प्रत्येक संकेत समान आकार का होना चाहिए। उस स्थिति में जबकि संकेत द्वारा राशि के किसी भाग को निरूपित करता है, तो संकेत के समानुपाती भाग को खींचना चाहिए। उदाहरणार्थ इस चित्रलेख में 3 वर्षों का उत्पादन दिख रहा है। हमने एक कार के चित्र को 1,00,000 कारों के बराबर माना है। अतः चित्रलेख देखने में आकर्षित लगते हैं और समझने में सरल होते हैं। आइए अब हम आवृत्ति आयत के बारे में जानें। आवृत्ति आयत खींचने में उन्हीं चरणों का प्रयोग होता है जिन्हें दंड चार्ट खींचने में प्रयोग करते हैं। पर आवृत्ति आयत में ऊर्ध्व आयतों या ब्लॉकों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है। इसमें वर्ग बारंबारता को एक्स अक्ष में दर्शाते हैं और उसका क्षेत्रफल वर्ग बारंबारता के समानुपातों में होता है। जब वर्ग बारंबारता एक समान चौड़ाई की होती है, तो दंड की ऊंचाई आवृत्ति अनुपात में होती है। आइए एक फैक्ट्री के 100 कर्मचारियों के अधिकतम आय यानी ओवरटाइम पर आवृत्ति बनाते हैं। पहले हम एक तालिका में विभिन्न प्रकार के ओवरटाइम भुगतान को लेंगे और पता करेंगे कि किस श्रेणी में कितने कर्मचारी आते हैं। हमने पाया कि 8 तरह का ओवरटाइम भुगतान इन 100 कर्मचारियों को दर्शाता है। इस तरह वाई अक्ष कर्मचारियों की संख्या दर्शाएंगे। आवृत्ति आयत आंकड़ों के आलेखीय निरूपण का तीसरा उदाहरण था। आइए अब देखते हैं कि बारंबारता बहुभुज कैसे बनाते हैं। बारंबारता बहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसके बिंदु एक्स अक्ष हैं और वाई अक्ष बारंबारता है। हम बारंबारता बहुभुज को फैक्ट्री के 100 कर्मचारियों के ओवरटाइम भुगतान के लिए बनाए गए आवृत्ति आयत की सहायता से भी बना सकते हैं। यदि हम आवृत्ति आयत की ऊपर की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर रेखा को दोनों ओर से बढ़ा दें ताकि वो एक्स अक्ष से मिले, तो हमें बारंबारता बहुभुज मिल जाता है। अब हम आंकड़ों के अंतिम आलेखीय निरूपण के बारे में जानेंगे। इसे तोरण अथवा संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं।
बहुधा ये जानने की आवश्यकता होती है कि आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के तुल्य या उससे कम कितने आंकड़े हैं। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री मालिक ये जानना चाहता है कि कितने कर्मचारियों को प्रतिमाह 200 रुपए का ओवरटाइम मिलता है। इस प्रकार की जानकारी संचयी बारंबारता की गणना करके प्राप्त की जा सकती है। अब हम एक तरह की संचयी बारंबारता वक्र अथवा तोरण के बारे में जानेंगे। फैक्ट्री कर्मचारियों के ओवरटाइम भुगतान का तोरण बनाने या खींचने के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता बंटन कर एक तालिका बनाएंगे। इस तालिका में हम देख रहे हैं कि 5 कर्मचारी 150 रुपए प्रतिमाह से कम ओवरटाइम पाते हैं, तो संचयी बारंबारता पहले वर्ग अंतराल की 5 हो गई। 10 कर्मचारियों को 150 से 200 रुपए मिलते हैं। इस प्रकार 200 रुपए प्रतिमाह से कम ओवरटाइम मिलने वाले कर्मचारियों की संख्या हुई 5 जमा 10 यानी 15। इस तरह दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 15 हो गई। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे और हमें सभी संचयी बारंबारता मिलती जाएगी। अब हम X और Y अक्ष बिंदु लगाते हैं। X अक्ष पर ओवरटाइम भुगतान और Y अक्ष पर संचयी बारंबारता बनाएंगे। इस प्रकार X और Y अक्ष के बिंदुओं को मिलाने पर एक वक्र बन जाएगा, जिसे तोरण कहते हैं। इस तरह हमने आंकड़ों का 5 तरह का आलेखीय निरूपण देखा। ये हैं दंड चार्ट, चित्रलेख, आवृत्ति आयत, बारंबारता बहुभुज एवं तोरण। अब हम पुनः एक बार देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। दंड चार्ट खींचने में आसान है और विभिन्न मानों की तुलना करने में सहायक होते हैं। प्रत्येक रेखाखंड या दंड लंबाई के अनुपात में एक विशेष मान को दर्शाता है। जो दंड चार्ट आपने देखे वे क्षैतिज स्थिति में खींचे गए हैं, पर दंड ऊर्ध्वाधर स्थितियों में भी वाई अक्ष पर खींचे जा सकते हैं। आंकड़ों का सरल चित्रीय निरूपण चित्रलेख कहलाता है, जिसमें सरल सुस्पष्ट एवं परिचायक संकेतों का उपयोग निरूपित राशि को दर्शाने में किया जाता है। आवृत्ति आयत दंड चार्ट के समान खींचते हैं, पर आवृत्ति आयत में ऊर्ध्व आयतों या ब्लॉकों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है। इसमें वर्ग बारंबारता को एक्स अक्ष में दर्शाते हैं और उसका क्षेत्रफल उनके वर्ग बारंबारता के समानुपातों में होता है। आवृत्ति आयत के ऊपर की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर आगे बढ़ाने से बारंबारता बहुभुज बनता है। संचयी बारंबारता की गणना करके तोरण अथवा संचयी बारंबारता वक्र प्राप्त किया जा सकता है। ये तब उपयोगी है जब किसी को ये जानने की आवश्यकता होती है कि आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के तुल्य या उससे कम कितने आंकड़े हैं। अतः आंकड़ों का आलेखीय निरूपण करने से उन्हें समझने में आसानी होती है और उपयोगी जानकारी भी प्राप्त होती है। In our daily lives, we frequently make decisions, judgments,
and conclusions on the basis of facts. These facts are normally derived from figures. For instance, how do we conclude that Kapil Dev was really an excellent cricketer? We simply examine his record as a wicket taker and compare it with that of Sir Richard Hadlee, whose record he broke. Thus, figures have helped us to come to a conclusion. The use of figures in this manner has been developed into a branch of science known as statistics. We can use statistics to find out the average weight of children in the 12-13 year age group in India. For this, we need data about their weight. The data may not be readily available, and we may have to collect it by taking the weight of the children. We will then have to classify this data and analyze it in order to draw a conclusion about their average weight. This whole process is known as statistics. Statistics is thus the science in which we deal with the collection and classification of data, analyze and interpret the data, and draw useful inferences from it. Now, taking the weight of each and every child in the country would be very costly, time-consuming, and almost impossible. So, what do? We simply take a sample, which would be truly representative of the population as a whole. A sample is simply a small selection. A properly selected sample can give us a good estimate or guess about the average weight of a child in the 12-13 year age group. In a sample, we take the weight of only some children and thus save considerable time, money, and effort. In our daily lives, we frequently make use of samples. When we go to the market to buy grains, such as rice or dals, we do not check each and every grain in the lot. We simply pick up a few grains, that is, a sample, and decide whether or not to buy the grain. We thus draw an inference, that is, a conclusion, on the basis of a small sample. In the same way, by selecting samples, we can find out how many hours a day teenagers spend at play on an average. Samples give us data, and data is the basis of statistics. There are two types of data, primary and secondary. Primary data is what the investigator collects himself on the items which he considers necessary for his study. It can be collected through questionnaires, interviews, or from experiments. But it is not always possible for an investigator to collect all the data himself due to constraints of time and money. In such cases, he depends on other data, such as published reports, official statistics collected by government agencies, or data collected and compiled by other investigators. This form of data is known as secondary data. However, data on its own is almost meaningless to an ordinary person. So, we should be able to make the figures speak for themselves. This is done through charts and pictorial diagrams using various colors and patterns to differentiate between various items. Such charts are eye-catching
and easily highlight the important features of the data. They are normally used for data representing sales and production. The different types of graphical representation are the bar chart, pictograph, histogram, frequency polygon, and ogive. We shall begin with the bar chart. The bar chart consists of line segments or bars representing each value of the data in proportion to its magnitude using a convenient scale. It is simple to draw and very effective for comparing different values. Each line segment or bar stands for one value, and the whole diagram is called a bar chart. The bars may be placed vertical or horizontal. Let us make a bar chart of the population of a country from the year 1820 to 1940 at an interval of 30 years. First, we select a convenient scale. Here, we take 1 centimeter to represent a population of 2000. We take the years on the x-axis and the population on the y-axis. We now draw bars of equal width, whose lengths are proportional to the population for the given years. Bar charts help us to understand even complicated figures at a glance. Now, let us take a look at the pictograph. The pictograph is a pictorial chart used by economists and others who deal with the data of business, trade, and population. Suppose we want to compare the production of cars in India for the last 3 years. We draw pictures of cars to indicate production. While making pictographs, only simple, clear, and self-explanatory symbols should be used. The quantity represented by each symbol should be clearly indicated, and each symbol should be of the same size. In case only a part of the quantity represented by the symbol is to be shown, a proportionate amount of the symbol should be drawn. In this pictograph indicating the production of cars, we have taken one car to represent 1 lakh cars. Thus, pictographs are eye-catching and easy to understand. Now, let us take a look at the histogram. A histogram is drawn in the same way as a bar chart, but it does not have gaps between the blocks. In a histogram, the class intervals are represented on the x-axis and the areas of the bars drawn are proportional to the corresponding frequencies. Since we have class intervals of equal width in the following example, the heights of the bars become proportional to the frequencies. Let us make a histogram on the overtime payment of 100 workers in a factory. First, we make a table of the different categories of payment and find out the number of workers being paid in each category. We find we have 8 categories of payment and we take these on the x-axis. We take 1 centimeter to represent 4 workers and plot the number of workers on the y-axis. The histogram was our third example of graphical representation of data. Now, let us take a look at the next one, the frequency polygon. A frequency polygon is simply a polygon formed by joining the points whose x-coordinates are the class marks of the class intervals and y-coordinates are the respective frequencies. We can make a frequency polygon out of our histogram on the overtime payment of 100 factory workers. We simply join the midpoints of the top edges of the histogram and extend the lines at the endpoints to intercept the x-axis, and we get a frequency polygon. We now come to the last of our examples of graphical representation of data, the ogive or the cumulative frequency curve.
Often, one needs to know the number of observations having values less than or equal to a specific value. For example, a factory owner may need to know how many employees receive up to Rs. 200 per month as overtime. This type of information is obtained by computing cumulative frequency. We shall now study one type of cumulative frequency curve, the ogive. To draw an ogive of the overtime payment to factory employees, we prepare a table of the cumulative frequency distribution for the overtime payment. We can see that 5 workers receive less than Rs. 150, so the cumulative frequency of the first class interval is 5. 10 workers receive between Rs. 150 to Rs. 200. So the number of workers receiving less than Rs. 200 is 5 plus 10, that is 15. Thus, the cumulative frequency of the second class interval is 15. Proceeding similarly, we get the cumulative frequencies for all the class intervals. Now we plot the points 150, 5, 200, 15 and so on till 500, 100. Thus, we see that the x coordinates of these points are the upper class limits and the y coordinates are the corresponding cumulative frequencies. On joining these points with a freehand curve, we get an ogive. We have thus seen 5 types of graphical representation of data: the bar chart, pictograph, histogram, frequency polygon, and ogive. We shall now recapitulate these. The bar chart is easy to draw and is useful for comparing different values. Each line segment or bar stands for a particular value of data in proportion to its magnitude. The bar charts you have seen have been drawn horizontally. However, bar charts can also be drawn vertically on the y-axis. The pictograph is simply a pictorial chart in which clear and self-explanatory symbols are used to represent a given quantity. The histogram is similar to the bar chart, but it does not have gaps between the blocks. The class intervals are represented on the x-axis and the areas of the bars drawn are proportional to the corresponding frequencies. The frequency polygon is drawn by joining the midpoints of the top edges of a histogram and extending the lines to intercept the x-axis. The ogive, or cumulative frequency curve, is obtained by computing cumulative frequency. It is useful when one needs to know the number of observations having values less than or equal to a specific value. Thus, graphical representation of data is easy to understand and provides useful information.